हाय फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे किचन टिप्स, अदर यूजफुल टिप्स फ्रेंड्स, जो कि आप लोग के लिए हमेशा की तरह बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट टिप्स। हमारी पहली और बहुत ही यूजफुल टिप्स है फ्रेंड्स, इस प्रकार के फ्लावर्स को लेकर के, जो छोटे छोटे इस प्रकार के गमले होते हैं, इसके जो फूल होते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये। लेकिन फ्रेंड्स, दिक्कत क्या आती है, जब हमें इसे वॉश करना होता है यानी कि क्लीन करना होता है तो बहुत ही दिक्कत आती है, क्योंकि इन फूलों में अंदर तक डस्ट बहुत ज़्यादा बैठ जाती है और वो क्लीन नहीं हो पाता है। उसको आप ऊपर से डस्टिंग करेंगे तो बिल्कुल भी ठीक से साफ नहीं हो पाएगा। तो आज इसको क्लीन करने का एक बहुत अच्छा सा तरीका आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स, जो कि आप लोग को सच में बहुत पसंद आएगा और एक बार यूज़ भी ज़रूर करके देखिएगा। तो इसके लिए करना क्या है, यहाँ पर एक फ्राइगन में पानी लेंगे हम, नॉर्मल पानी है, और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे, या तो आप इसमें कोई भी डिटर्जेंट डाल सकते हैं या फिर जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है यानी कि विम बार जो होता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कपड़े धोने वाले साबुन को थोड़ा सा क्रश करके डालूंगी फ्लावर्स को वॉश करने के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे कपड़े धोने वाला साबुन मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत अच्छे से जो फ्लावर्स हैं वो क्लीन हो जाते हैं। तो करना क्या है, बस इसमें थोड़ा सा साबुन डालना है और उसके बाद से इस तरीके से लेके इसको उल्टा कर दीजिएगा और इस तरह से आपको धोना है जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा तरीका है फ्लावर्स को अच्छे से क्लीन करने का। इसकी वजह से, पानी की वजह से बहुत अच्छे से अंदर तक क्लीन हो जाते हैं और इसको आप रात में धो करके रख दीजिएगा, सुबह तक बिल्कुल ही सूख जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा सा तरीका है, आप देख सकते हैं इस तरीके से धोने से जितने भी अंदर डस्ट होगी इसके वो सब निकल जाएगी पानी में और फ्लावर्स जो हैं वो बिल्कुल ही साफ़ हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है देखने में, जो कि पहले बहुत ज़्यादा डस्ट बैठा हुआ था, अब ये बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो आपने देखा फ्रेंड्स, इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमको और कुछ एक ही मिनट में हमारा जो गमला है वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। तो ये दूसरा वाला भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले आपने देखा कि कितना ज़्यादा डस्ट था उस पर और अब ये बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो आई होप फ्रेंड्स, आपको ये टिप्स पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगर फ्रेंड्स आप इस तरीके से इसको नहीं धोना चाहते, अगर आपका जो फ्लावर पॉट है वो ज़्यादा बड़ा है, तो आप उसको नॉर्मल पानी स्प्रे करके भी, यानी कि स्प्रे बॉटल में पानी को भर के भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा साबुन डाल लीजिएगा, जैसे कि हमने पानी को बनाया था, यानी कि साबुन और पानी का घोल, फिर आप उसको स्प्रे करके भी अच्छे से पॉट को क्लीन कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं फ्रेंड्स, आप जैसे समझ में आए यानी कि जो आपको ईजी लगे उस तरीके से आप इसको क्लीन कर सकते हैं और रिजल्ट आपके सामने बहुत अच्छे से साफ हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरी टिप्स भी देख लेते हैं। हमारी सेकंड और बहुत ही यूजफुल टिप्स है फ्रेंड्स, यहाँ पे तवे को लेके, आप देख सकते हैं यहाँ पे तवा जो है काफ़ी काला हो चुका है। तो अब अगर हम इसे नॉर्मल क्लीन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको साफ़ होने में। तो एक छोटा सा तरीका आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अगर इस तरीके से आप तवे को साफ़ करेंगे फ्रेंड्स, तो बिना फालतू एफर्ट के आपका जो तवा है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी साबुन, कोई भी सोप आप यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे कपड़े धोने वाला साबुन का ही यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद से थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, इस टाइम पर गैस जो है ऑन है, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि बहुत अच्छे से इसमें बॉयल आने लगेगा। थोड़ा सा हमने यहाँ पे बेकिंग पाउडर भी डाल दिया है, बेकिंग पाउडर नहीं हो तो यूनो डाल दीजिएगा फ्रेंड्स, ये दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा होता है। और थोड़ा सा इसको और अच्छे से क्लीन करने के लिए हमने यहाँ पे नमक भी डाला है, नमक थोड़ा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और उसके बाद से आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है और इस तरीके से इसको एक स्ट्रिप की हेल्प से हम साइड साइड से इस तरीके से पूरा फैला देंगे इसको, जिसकी वजह से जितना भी कचरा है तवे पे बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो इसको दो मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने देंगे फ्रेंड्स, बॉईल होने की वजह से जितना भी एक्स्ट्रा गंदगी इस पे जमी होती है तवे पे वो फूल करके निकल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपका तवा भी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो इसको इस तरीके से फैलाते रहिएगा ताकि जो ये लिक्विड है ये पूरे तवे पे अच्छे से लग जाए। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से इसमें ऑयल आने लगा है, अब हम इसको क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, तवा जो है बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। इसको अगर आप और भी ज़्यादा क्लीन करना चाहते हैं तो कुछ देर के लिए और पानी को ऑयल करें इस पर, जिसकी वजह से और भी अच्छे से साफ हो जाएगा। तो आई होप ये टिप्स भी अच्छी लगी होगी आपको। चलिए फ्रेंड्स, अब अपनी अगली टिप्स भी देख लेते हैं। अगली टिप्स भी हमारे यहाँ पे बहुत यूजफुल है। यहाँ पे हमें एक सॉल्यूशन बनाना है फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे एक चम्मच जितनी चाय पत्ती ली है, थोड़ा सा पानी डालेंगे, गर्म पानी का यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स, इससे आपको रिजल्ट और भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, यानी कि जो चाय पत्ती है फटाफट से फूल जाएगी, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। और उसी के साथ में थोड़ा सा बेकिंग सोडा हम इसमें डालेंगे, बेकिंग सोडा ही डालिएगा, पाउडर मत डालिएगा,
और उसके बाद से उसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक करके छोड़ देंगे, जिसकी वजह से बहुत अच्छा सा सोल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से ढक करके छोड़ दिया था, और उसके बाद से आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा इस पर कलर आ चुका है। और अब हम इसको निकाल लेंगे। चाय पत्ती का जो पानी होता है उसको हम बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमने पहले भी चाय पत्ती का बहुत सारा यूज़ शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। चाय पत्ती से आप चांदी की कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं, यानी कि चांदी की जो पायल होती है उनको बहुत अच्छे से इस तरीके से इस पानी से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आज हम कुछ क्लीन नहीं करने वाले हैं, आज हम इसका यूज़ करेंगे। देखिए इस प्रकार से हमने सॉल्यूशन को एक स्प्रे बॉटल में भर लिया है, और इसका आज हम यूज़ करेंगे फ्रेंड्स फ्रिज में। यानी कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि फ्रिज से बहुत बैड स्मेल आने लगती है, कई बार ऐसा हो जाता है कि साफ़ सफ़ाई किए हुए कुछ टाइम हो जाए फ्रिज में, और कभी ऐसा भी होता है कि अगर लाइट कट जाती है तो भी सारी सब्जियों की जो स्मेल है बहुत ज़्यादा आने लगती है फ्रिज से। तो इस टाइम पर आप एक काम कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन बना करके पूरे फ्रिज में अच्छे से स्प्रे कर दीजिएगा। इसके वजह से क्या होगा, आपके फ्रिज में से जो भी बैड स्मेल आ रही थी वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये बहुत अच्छे से बैड स्मेल को ख़त्म करता है। तो आई होप फ्रेंड्स ये टिप्स भी ज़रूर अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए अब अगली टिप्स भी देख लेते हैं बिना देरी किए। फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जार लिया है, बहुत बार ऐसा होता है कि जो जार की ब्लेड होती है अंदर की, मसाला पीसते पीसते बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम इसको यूज़ बहुत करते हैं लेकिन इसके ब्लेड पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इसके जो ब्लेड हैं वो बहुत बार ख़राब हो जाती है, और ठीक से मतलब मसाला भी नहीं पीस पाता है, फिर जो भी चीज़ हम इसमें पीसना चाहें वो नहीं ठीक से पीस पाती है, यानी कि बारीक नहीं हो पाती है, क्योंकि इसके ब्लेड की जो शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाती है। तो आज एक बहुत अच्छा सा तरीका आपके साथ शेयर करेंगे फ्रेंड्स, इसको ज़रूर आजमाइएगा। जार की जो ब्लेड्स है वो बहुत ही ठीक हो जाएंगे, यानी कि पहले की तरह ही शार्प हो जाएंगे। एक तो तरीका होता है कि आप इसमें नमक डाल के चला सकते हैं, उससे भी जो ब्लेड है वो बहुत अच्छी हो जाती है, यानी कि शार्प हो जाती है। लेकिन आज एक दूसरा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही यूज़फुल है। यहाँ पर हमने ली है एक दवाई की स्ट्रिप, इस प्रकार की दवाइयाँ तो लगभग सभी घर में होती हैं, और हमको स्ट्रिप का यूज़ करना है फ्रेंड्स। इस तरीके से स्ट्रिप ले लेंगे और इसको कट करके इस तरह से डाल देंगे, और डालने के बाद से इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्सी को चला लेंगे। इसके वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, इसकी जो धार है बहुत ही अच्छे से शार्प हो जाएगी, जार की जो ब्लेड्स है वो बहुत ही शार्प हो जाएंगी, और इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो प्लीज़ एक बार इसको ज़रूर आजमा करके देखिए। तो आई होप फ्रेंड्स ये छोटी छोटी किचन टिप्स, अदर यूजफुल टिप्स आप लोगों को पसंद आई होंगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हमेशा आप लोग के लिए लेकर के आते रहेंगे।